So here, welcome to this episode of MBA with Arshikant. This is me, Arshi, and in this video, I'm going to talk about, should I drop a year for CAT preparation? I mean, I think this is one of the most requested questions by students. I mean, I've seen this, you know, that if we talk about the majority chunk, you know, जो हर साल CAT preparation के लिए जाता है या फिर colleges में enroll होता है, वो fresher होता है जो final year of graduation में है, parallelly CAT दे रहा है और उसके साथ साथ colleges के लिए enroll कर रहा है. But we always have this gut feeling, whatever we can call it, कि अगर हमने CAT में बहुत अच्छा score नहीं किया है तो हम सोचते हैं यार एक ड्रॉप तो ले लेते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल जो फूड लवर्स हैं, कितना ही वो डाइटिंग कर लिया, कुछ मन करा चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं, राइट? आपको नींद पसंद है, यू नो, आप कितना ही कंट्रोल कर रहे हो, बट आपके मन में आता था चलो थोड़ा सा एक झपकी ले ही लेते हैं, राइट? पर कहीं और ही हो गया ये एग्जाम्पल. उसी तरह से इफ यू आर एन एस्पिरेंट राइट फॉर MBA, देन यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड दैट Should I drop a year for CAT preparation? क्या मुझे CAT के preparation के लिए drop लेना चाहिए? And that's what I'm going to discuss in this video. So for those students who are currently not employed and final year of graduation, so simple सी चीज़ है कि एक ये category है, right? अगर हम इस category में बात करें सबसे पहले, तो this is for students जो कि काम नहीं कर रहे हैं and अपने final year of graduation में हैं, even though our answer is the same for each category. मेरा जो जवाब रहेगा वो कहीं ना कहीं सेम है, राइट? बिकॉज circumstances और सिचुएशन क्वाइट सिमिलर है. तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है, डोंट प्लान टू बी आफ्टर ग्रेजुएशन, देन डोंट ड्रॉप अ ईयर, स्टार्ट प्रिपरेशन वाइल यू आर इन ग्रेजुएशन, राइट? सो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप एक फ्रेशर हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन किया है आपके पास, तो उस केस में आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, आपको अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपेयर करना चाहिए. अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बिकॉज आई थिंक हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जब बच्चा पहले सा, अभी रिसेंटली आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन, ऑल ऑफ अ सडन अ गर्ल कॉल मी अप, राइट? तो मैंने जैसे ही उसका नंबर डाला हमारे सिस्टम में, तो उस 3 साल पुरानी लीड शो कर रही थी, एंड 3 साल पुरानी लीड में व्हेन आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि आप 3 साल से कॉलेज देख रहे हो, तो शी टोल्ड मी मैम मैंने फर्स्ट ईयर में क्वेरी किया था, उस टाइम पे मैं फर्स्ट ईयर में थी और अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ. तो आई मीन आई थिंक अगर आप ग्रेजुएशन में आपके लिए ड्रॉप लेना हो तो ना बेटर ऑप्शन नहीं है, आप कोशिश करो अपने ग्रेजुएशन के साथ निकालो. एंड स्टूडेंट निकालते भी हैं, मेरे चैनल पर कई सारे इंटरव्यूज डले हैं स्टूडेंट्स वर स्टडिंग एट IIM कैलकटा एंड they have scored 99 plus while pursuing the graduation. So that's this first thing, right? If you graduate and cannot clear a CAT, agar aapne graduation kar liya hai, aap final year mein aapne CAT diya tha, but aap clear nahi kar paye ho, right? As per your requirements, then give CAT again. But try to find, a job. Yes, मैं ये बहुत बहुत अच्छा suggestion देती हूँ, because देखो इसकी कोई surety नहीं है कि आपने CAT दिया तो आप 99 प्लस ही स्कोर कर लोगे. आपने बोला मैंने ड्रॉप लिया, ड्रॉप के बाद मेरा लल्चे 70 था तो 75 हो गया है, तो दैट इज़ नॉट अ जस्टिफाइड आंसर, राइट? वो आपकी प्रोफाइल को उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा. एंड यू बीइंग अ स्टूडेंट, आई थिंक अगर आप MBA प्लान कर रहे हो तो यू नो दिस थिंग, दैट प्रोफाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात MBA की कर रहे होते हैं, राइट? तो सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको जॉब के साथ प्लान कर सकते हो. अब एक और आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैं जॉब करूंगा तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो यू कैन इवन प्लान फॉर इंटर्नशिप, बट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है डू इट विद योर जॉब. डोंट वेस्ट दैट ईयर ओनली फॉर द सोल प्रिपरेशन ऑफ CAT, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच एवरीबॉडी विल सजेस्ट यू. बेसिकली अनलाइक इंजीनियरिंग, ड्रॉपिंग अ ईयर फॉर CAT इज अ ह्यूज मिस्टेक, राइट? आप इंजीनियरिंग करके ड्रॉप कर रहे हो तो फिर वो एक मिस्टेक है. यू जस्ट प्लान टू सेट एट होम एंड डू CAT प्रिपरेशन, नथिंग एल्स. देन उस केस में आप वो पूरा साल जो है वो अपनी लाइफ का बर्बाद कर रहे हो, एंड वो आपकी प्रोफाइल पे जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट डालता है. बिकॉज आई विल टेल यू, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कई साल से प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जब वो CAT के लिए जाते हैं दे आर गुड, दे आर गुड विद कॉम्स, दे आर गुड विद एकेडमिक्स, बट फॉर इंटरव्यूअर्स
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप नहीं स्कोर कर पाए, यू वाज वेस्टिंग योर टाइम एंड इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? सो जॉब के साथ करो या फिर इंटर्नशिप के साथ करो. गेट दिस, इवन यू फाइंड अ सेल्स जॉब, टेक इट, फाइंड एनी जॉब, यू नो, वर्क एक्सटेंशन, जो भी है आप मतलब करो और उसके साथ प्रिपरेशन करो. सिर्फ प्लेन ड्रॉप मतलब, राइट? फॉर दोज हु आर करेंटली एम्प्लॉयड, मुझे उनके लिए भी ये लगता है दैट उनको भी, पहले तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, उनको भी अपनी जॉब के साथ पैरेलली प्रिपेयर करना चाहिए. तो इफ थिंक यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर कैट स्कोर विच विल क्रिएट सस्टेनेबल डिफरेंस इन योर फाइनल कॉलेज, लाइक मूविंग फ्रॉम टीयर टू टू टीयर वन, देन डू कंसिडर गिविंग कैट अगेन, आप दोबारा से कैट दो. If you have a good work experience, then continue with your job along with your CAT preparation, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप work experience वाले हैं तो CAT की preparation अपनी job के साथ manage करें. Now the question that how many attempts should you give ideally? तो 36 से 45 months of work experience before IIM is preferred, right? ये preferred होता है. During shortlisting, most of the IIMs give the maximum point to students within this domain. तो अगर आपका 36 से मतलब 24-36 मतलब 3-4 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस जो है वेटेज दिया जाता है, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस गेन करें अगर आपको आई एम सी टारगेट करना है. पैरेलली प्रिपेयर करें एंड देन गो फॉर द कैट. 1 साल का ड्रॉप लेना विदाउट एनी डूइंग एड ऑन्स ऑन योर प्रोफाइल, दैट्स अ कंप्लीटली वेस्ट. नाउ ऑल्सो रिमेंबर दैट विद इंक्रीजिंग वर्क एक्स यू कैन ऑल्सो ओपन फॉर GMAT ऑल्सो, राइट? And essentially, keeping the above 3 points, you can plan your drop. And that's all about this video, जहाँ पे मैं निष्कर्ष करती हूँ. आप fresher हैं, graduation कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए मैं drop लूँगा. आप parallelly prepare करिए, CAT निकल गया अच्छी बात है. नहीं निकला, drop लेने का सोच रहे हो कि यार चलो एक और मन में है, पर उसको internship या job के साथ plan करो. Work ex में हो तो 3-4 साल का work ex को सबसे ज़्यादा points मिलते हैं अगर हम tier 1 colleges की बात करें, but उसमें भी अपनी job के साथ preparation plan करो, छोड़ के मत प्लान करो. सो दैट्स वॉट माई एडवाइस टू यू. इफ यू रियली फील दैट दिस माइक कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड फॉर मोस्ट वीडियो लाइक दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.